શ્રી ગણેશય નમ શ્રી પરમાત્મને ન શ્રીસત્યનારાયણ વ્રતકથા અથ પ્રથમોધ્યાય શ્રી વ્યાસ ઉવાચ એક નિયે ઋષય શૌનકાદય પ્રપૃછુયુ મુનય सूत खलु एक समय अयोध्या के समीप नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों ने संपूर्ण पुराणों के ज्ञाता सूतजी से प्रश्न पूछा ऋषय ऊचु व्रतेन तपसा किंवा प्यतेवा फल तत्सव श्रोत कथयस महामुने हे महामुनि आप तो इतिहास एवं पुराणों के ज्ञाता है अतः आपसे एक निवेदन है कि इस कलयुग में वेद विद्या से रही मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार से प्राप्त हो तथा उनका उद्धार कैसे होगा इसलिए हे मनुष्येष्ट कोई ऐसा तप कहे कोई ऐसा व्रत कहे कोई ऐसा अनुष्ठान कहे जिससे थोड़े ही समय में पुण्य मिल सके

यह बात पूछी है क्योंकि परोपकार ही तो संतों का लक्षण है इसलिए उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने भगवान कमलापति से पूछा था एक नारदो योगी परानुग्रह कांक्ष पर्यटन विविधान लोकन मृत्यु एक समय, योगी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे वहाँ अनेक योनियों में जन्म प्राणी अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित है ऐसा देखकर नारद जी ने मन में विचार किया कि किस यत्न से इन प्राणियों के दुखों का नाश हो ऐसा मन में विचार कर

जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म तथा गले में वनमाला सुशोभित है नारद जी ने श्री विग्रह के दर्शन कर सुंदर स्तुति करने लगे नारद उवाच नमो वांग मनसातीतो रूपाय अनंत आदि मध्या हीनाय निर्गुणा गुणात्मने सर्वेमाताय भक्ता नाशिने ना नारद जी बोले हे भगवान आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत एवं भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आप हैं भगवान मेरा नमन स्वीकार करे नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा श्री भगवान वाच किम ते मन से वर्तते कथय स्व महाभाग तत्सव कथयाम ते श्री भगवान ने कहा हे hey, मुनुष्य आपके मन में क्या है आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है नहीं संकोच बताए आपके प्रश्न का उत्तर मैं बताऊंगा नारद उवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विताः नाना योनि समुत्पन्नाः पच्यन्ते पाप कर्मभिः नारद जी ने कहा हे प्रभु मृत्यु लोक में प्रायः अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं हे नाथ यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतला कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो व्रतमस्ती महत्पुण्यम स्वर्गे मर्त्य च तव स्नेहान मया वत्स प्रकाश कियते दुना भगवान हरि ने कहा हे नारद मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छी बात पूछी है जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है मैं उस महान शक्तिशाली व्रत को कहता हूँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत महान पुण्य देने वाला तथा स्वर्ग एवं लोक में अत्यंत दुर्लभ है श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूर्ण विधि विधान से करने पर मनुष्य मृत्यु में शरीर भोग कर, कर मोक्ष को प्राप्त होता है भगवान के श्रीमुख से वचन सुनकर नारद जी ने पूछा किम फलम किम विधानम च कृतम के नैवतद्व्रतम तत्सर्वम विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यव्रतम प्रभु नारद जी ने कहा हे प्रभु सत्यव्रत का फल क्या है क्या विधि विधान है किसने इस व्रत को किया है तथा किस दिन सत्यव्रत को करना चाहिए सब विस्तार से हमारी सुनने की अभिलाषा है श्री भगवान धन धान्य प्रवर्धनम भगवान ने कहा हे नारद सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि को दूर करने वाला धन धान्य को बढ़ाने वाला सौभाग्य तथा संतान को देने वाला सभी स्थानों पर विजय श्री दिलाने वाला भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की पूजा शाम के समय ब्राह्मणों एवं बंधु बांधवों के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे भक्ति भाव से सवाया मात्रा में नहीं वेद केले का फल दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे, गेहूं के अभाव से साथी का चूर्ण तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ एकत्रित करके भगवान सत्यनारायण को अर्पण करना चाहिए बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण कथा कर ब्राह्मणों को भोजन कराए और दक्षिणा देकर संतुष्ट करे तदुपरांत बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करे नृत्य गीत आदि का उच्चारण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण कर रात्रि व्यतीत करे इस तरह से व्रत करने पर मनुष्य की इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण होती है विशेष कलिकाल में मृत्युलोक में यही इच्छा पूर्ति एवं मोक्ष का सरल उपाय है इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे